अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मानी की म्याउस। मेरा नाम मानी है और मेरे नाम पे चैनल है और ये मेरी म्याउस है सारी। तो ये मैंने ऑनलाइन फीड ऑर्डर की है, 3-4 किस्म की, बीच में मेरा है, पेट नॉश है, नॉश पेट आई थिंक नाम है, और एक और है पेटीजिया, इस तरह करके नाम है, एपेटाइज इस तरह करके नाम है फीड का। तो इन तीनों चारों फीड के रिव्यू दूंगा मैं कि कौन सी बीच में से अच्छी है। और आजकल आपको पता भी है कि इम्पोर्ट जोन सी है वो ऑफ हुई हुई है, जिसकी वजह से कैट फूड और डॉग फूड और हर किस्म का, यानी कि जो इम्पोर्टेड चीज़ है या फीड है, उसकी जो प्राइस है काफ़ी हाई हुई हुई है। जो इस महंगाई के दौर में मैं सोच रहा हूँ कि मैंने कैट्स काफ़ी ज़्यादा रखी हुई हैं, जैसा कि आपने मेरे पेज पे देखा होगा, तो जो मुझे पिछले साल 7K के अंदर 15 kg का पैकेट मिल जाता था या 8K में मिल जाता था, वो मुझे इस बार 20K के करीब मिल रहा है, 15 kg का। तो अब बीच में पेट नॉश आई है, एक नया ब्रांड आया है, तो उसके अलावा एक नॉर्वेट है, अच्छा ब्रांड है लेकिन उसमें बड़ी पैकिंग नहीं है। तो और ये मीरा है, मीरा मैंने पहले अपनी कैट्स को एक दफ़ा खिलाई हुई है, एक दफ़ा आपके सामने खिला दूंगा। इसका रिस्पॉन्स भी अच्छा है, इसके अलावा रिफ्लेक्स है वो भी अच्छी है। अब पेट नॉश है और एपेटाइज है, यानी अब इसको हम अनपैक करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें ऑर्डर की हैं ऑनलाइन, कौन कौन सी फीड ऑर्डर की, और फिर मैं आपको आपको दिखा दूंगा। ये न्यू मेंबर है हमारी फैमिली में, इसका नाम हमने आऊ रखा हुआ है, तो अभी इसका नेम चेंज करना है। और ये अमेरिकन शॉर्ट हेयर का क्रॉस है, शॉर्ट हेयर में ये कहता है। तो कोई नेम बताएं इसके बारे में, मैं तो सोच रहा हूँ पैंथर रख दूँ, बिकॉज ही इज वेरी क्यूट एंड ही हैव शॉर्ट हेयर लाइक ब्लैक पैंथर्स। लें जी, ये आ गई एपेटाइज, इसकी प्राइस आई थिंक 2000 है, और ये 1.5 kg का पैकेट है, और ये सिर्फ चेक करने के लिए मंगवाई है कि ये कैसी है, कैट का कैसा रिव्यू आएगा। इससे पहले एक मैंने यूज़ की थी फीड, इसको कैट्स ने हाथ ही नहीं लगाया था बिल्कुल, यानी कि मुंह ही नहीं लगाया था, खाई नहीं थी। उसके बाद ये एक पेट नॉश का पैकेट मंगवाया, ये मीट एंड वेजिस पेट नॉश ऑल स्टेजेस कैट फूड, यानी कि वो कह रहे हैं किटन से लेके एडल्ट तक हर किसी के लिए अवेलेबल है, और अ प्रोडक्ट ऑफ पाकिस्तान, तो ये पाकिस्तान में बन रही है तभी इतनी सस्ती है। तो इसके मैं बड़े पैकेट की प्राइस भी लगाऊंगा साथ में, और पहले तो इसका रिव्यू चेक करते हैं ना, ये खिला के कि कैट्स इसको खाती हैं कि नहीं, खाने के बाद कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता किसी कैट को। अब मेरी सारी कैट्स आपको नज़र आ रही होंगी, डोंट फॉरगेट टू से माशाल्लाह। और ये है जी 20 kg का पैकेट, तो मैं निकालने लगा हूँ, ये नहीं, मेरा का 20 kg का पैक जो हम अपनी कैट को यानी खिला रहे हैं, और वो इसको यूज टू हैं, इजीली खाती हैं, इजीली डाइजेस्ट करती हैं, और इनका फर और हेयर और कलर सब कुछ अच्छा रहता है। तो अब मैं बाकी इंशाल्लाह जब इनको खिलाएंगे उसकी वीडियो अलहदा से बीच में ऐड कर दूंगा। बाकी मैं किटन भी गिव अवे करूँगा इंशाल्लाह, जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और आगे शेयर करेगा उन सब के लिए किटन बीच में गिव अवे करूँगा। दूसरा इनकी टोटल प्राइस आई थिंक 21K एंड 500 के करीब थी। तो बाकी डिटेल वीडियो के आखिर में होगी जिसमें इनका रिव्यू होगा सारा। अल्लाह हाफिज़, सी यू लेटर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मानी की म्याउज़।